आज हम लोग यहाँ पर हैदराबाद के नौजवान बच्चियाँ और खवातीन और सभी लोग यहाँ पे मल्लेपल्ली के रियान होटल के सामने फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इसलिए कि आप देख सकते हैं तीन बार खवातीन के प्रोटेस्ट के लिए परमिशन देते देते रोक दिए हैं। कोर्ट से आर्डर आने के बाद भी आप देख सकते हैं सीए का अगेंस्ट का प्रोटेस्ट, ये डेमोक्रेटिक है। इसके बाद भी आज फिर दोबारा पुलिस ने हमको कल का प्रोटेस्ट का डिनाई कर दिया, तो आखिर हमारा गुस्सा कैसे निकलना, हमारा नाराज़गी कैसे निकलना। अगर परमिशन नहीं देंगे तो इस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा, जगह जगह करना पड़ेगा। अगर परमिशन देते परमिशन साथ करते थे। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब हमको हैदराबाद में शाहीन बाग बनाना ही बनाना है। केसीआर साहब इसको परमिशन देना ही होगा। क्यों ऐसा, सारे स्टेट में शाहीन बाग बने हैं, तेलंगाना में क्यों नहीं, हमारे हैदराबाद में क्यों है? क्यों हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हम क्या वॉलेंट है क्या? हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है? आप हम जो चाहे लिखा लीजिए, लेकिन हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। या शाहीन बाग बनाना है, हमको परमिशन दीजिए, ये मैं आपसे डिमांड करती हूँ। दूसरी बात, आप सीएए के सिलसिले में जो बोले हैं वो चीज़ सीएए एनपीआर एनआरसी के सामने लिए आप अपने असेंबली में और अपने कैबिनेट में रिजोल्यूशन लेके आइए, वो चीज़ हमको बाहर कीजिए। हमको बयान की ज़रूरत नहीं है, अब हमको चाहिए इन रिटर्न, चाहिए रिजोल्यूशन की शक्ल में होना चाहिए। और आपसे ये बोलने के बाद मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को कहना चाहती हूँ कि आप लोग रिजाइन कर दीजिए। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के जो ख्वाब देख रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, ये होने का चीज़ नहीं है। ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर ही रहेगा। सेकुलर बनाने के लिए आपके अपना पूरा जान दे देंगे हम लोग, और इसको सेकुलर बना के रखेंगे। आपके ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आप पूरे हिंदुस्तान को सत्यानाश कर दिए, आप लोग रोड पे ला दिए हर किसी को डिमोनेटाइजेशन के लिए करके, आप हमको रोड पे लेके आए, दोबारा हम सबको लेके आ गए। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, कर्नाटका के पुलिस का जुल्म को मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। शाहीन अकेडमी के बच्चों के साथ जो इंटरोगेशन करे हैं उसका हम बहुत शर्मिंदा हैं कि वो बच्चों के साथ इस तरह के हर करते हैं। आपसे मैं कर्नाटका के पुलिस से मैं ये कहती हूँ कि आपके हरकत बहुत दुखी बात है, बहुत गलत हरकत आपने किया। और शाहीन अकेडमी वालों को हम कह रहे हैं कि पूरा हैदराबाद आपके साथ है, आपको हम जो भी आप जिस तरह की मदद हम चाहते हैं या हमको बुलाते हैं, पूरा हैदराबाद लेके आ जाएंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। वो जो जो वालदेन को टीचर्स को जो आप लोग उठाए हैं उनको, उनके ऊपर के केसेस पूरा बंद कर दिया जाए।